डीप फेक टेक्नोलॉजी का दुष्प्रयोग, यह भारत के 2024 के जो अभी लोकसभा के चुनाव के सीजन चल रहे हैं उसमें भी किया गया है, एक मामला उजागर हुआ है। हिंदी फिल्मों के कलाकार रणवीर सिंह, वो अभी वाराणसी के दौरे पे थे और एक अच्छे काम के लिए वाराणसी के दौरे पे थे और काफ़ी तारीफ भी उन्होंने वाराणसी की थी, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए उसकी की थी, स्पिरिचुअलिटी की बात की थी, प्रधानमंत्री की भी उन्होंने तारीफ की थी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जीवन भर हम शिव जी के भक्त रहे हैं और पहली बार काशी दर्शन करने आए हैं। मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा मैं अपनी माता जी को भी लेके आऊँ, अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आऊँ। मेरी माता जी बहुत खुश हैं। वो महादेव की नगरी में जब महादेव के भक्त आते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या अनुभव रहा होगा। जब हम काशी मंदिर में गए थे, अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा थी, अलग वाइब्रेशन, अलग फ्रीक्वेंसी। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जब आरती की, तो एक अलग एनर्जी, अलग पावर आ जाता है, महसूस होता है अंदर, और सभी उस एनर्जी में लीन है। आप जिसे भी देखते हो उनकी आँखें चमक रही हैं, उनके चेहरे पर रौनक है, ऐसे यूं हाथ ऊपर करके हर हर महादेव बोल रहे हैं। और ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब मॉडर्निटी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए विकास भी, विरासत भी। लेकिन रणवीर सिंह का एएनआई के साथ बातचीत का वह वीडियो, उसको मैनिपुलेट कर दिया डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए, रणवीर सिंह जैसी ही आवाज़ और रणवीर सिंह क्रिटिसाइज करते हो जैसे कि सरकार को, उस तरह का वो वीडियो को पूरा मोड़ दिया गया। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी महंगाई को। हम, क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब अन्याय काल की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारी विकास, हमारी न्याय को मांगना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सोचो और वोट दो। जिन्हें देश की फिक्र है वो न्याय के लिए वोट देगा। वोट फॉर न्याय, वोट फॉर कांग्रेस। आप देखिए, ये कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, उसने ये डीप फेक वीडियो चला दिया है। ट्विटर पे इस पे आउटरेज भी है, लेकिन सवाल यह है कि व्हाट्सएप में अगर ये धड़ल्ले से आगे बढ़ गया तो कौन हर एक के व्हाट्सएप में जाके बताएगा कि भाई ये झूठ है। और ट्विटर ने तो खैर ये भी स्टे इनफॉर्म मैन्युपुलेटेड मीडिया, ये टैग भी इस वीडियो के नीचे रख दिया है। और रणवीर सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में इसको पूरा मेंशन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने डीप फेक से सावधान रहे ये जरूर कहा है।